इस दिन को फिर से इसी दिन को बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1956 को 10 लाख अनुयायियों के साथ एक साथ धम्म दीक्षा लिया था। ये भी एक इतिहास है, पहली बार दुनिया में कभी इतना बड़ा ऑकेजन हुआ हो कि 10 लाख लोगों ने कभी दीक्षा ली हो। तो तब से ये दिन को मूल निवासी समाज बहुत तेजी से मना रहा है और भारत को बहुत मिल रहा है, इसलिए ये देश की ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये सभी आदमी को मिल करके इस दिवस को सेलिब्रेट करके और पूरे भारत को। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षा लिया था और तब से ये इसको अशोक धाम दिवस बोलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षा लिया और तब से उन्होंने पूरी तरह से प्रण कर लिया था कि ऐसे धर्म के माध्यम से हम पूरे भारत को बौद्ध में करेंगे, पूरे विश्व को बौद्ध में करेंगे। उसमें हिंसा की बात नहीं हुई, सिर्फ अहिंसा के माध्यम से। इसलिए भगवान बुद्ध का सम्राट अशोक की जो लास्ट लड़ाई थी कलिंग युद्ध, उसके बाद उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, बल्कि करुणा प्रेम से उन्होंने भारत की धरती को बहुत विशाल बनाया और बहुत दूर दूर उसकी परिधि को आगे बढ़ाया, ईरान इराक तक इस देश की परिधि को बढ़ाया, लेकिन कहीं उन्होंने लड़ाई नहीं की। और इतना सुखी लोग थे कि उसका कोई मसाल नहीं है, उदाहरण नहीं है। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण।